हाय फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मॉर्निंग में मैंने जो वीडियो पोस्ट किया है उसमें बताया था कि एक रेस्टोरेंट के लिए काम है, उसमें वेटर का काम है और उसके लिए हमको 800 लोग चाहिए। ये असल में बहुत बड़ी कंपनी है, उनके 200 आउटलेट सऊदी में है, उसके लिए पूरा स्टाफ चाहिए। तो उसमें मैंने 800 वाला जो ये पोस्ट है उसके बारे में बताया था, तो और उसमें सैलरी मैंने बताई थी 1600 रियाल, उसके बाद ओवर टाइम, खाना पीना और अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट और मेडिकल, ये सारी चीज़ें कंपनी देने वाली है। ये तो मैंने मॉर्निंग में जो वीडियो पोस्ट किया उसमें बताया था, लेकिन कंपनी की तरफ से एक बहुत अच्छी खबर मिली है कि इस वेटर की जॉब के लिए, जिसको थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है, ये वेटर की जॉब के लिए अगर ये कर लेता है 2 साल काम करेगा और 2 साल में काम करते करते इसकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी अगर, तो 2 साल के बाद हम इसको सुपरवाइज़र और मैनेजर की पोस्ट ऑफर कर सकते हैं और उसकी सैलरी होगी 5-6 हज़ार रियाल तक सैलरी हो जाएगी। तो आप सोचिए कि 2 साल में आपका कितना बड़ा प्रमोशन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, जितने भी व्यूवर्स मेरा वीडियो देख रहे हैं, जिनको थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है, सामने वाले की बात को समझ के कुछ रिप्लाई कर सकते हैं, तो मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। वैसे भी 1600 रियाल की जो सैलरी है उसमें इंडिया के हिसाब से कुछ 28-29 हज़ार कुछ बनते हैं, ओवर टाइम मिला लो उसमें, और रेस्टोरेंट के काम में तो आपको पता ही है कि टिप्स वाला जो सिस्टम चलता है वहाँ तो रियाल में मिलेगा। टिप्स, ओवर टाइम, ये सब जमा कर लोगे तो आराम से एक वेटर की जॉब करके आप 35-40 हज़ार तक कमा सकते हो, और ये जॉब करते करते आपकी इंग्लिश अच्छी हो गई तो 2 साल के बाद आपको सुपरवाइज़र और मैनेजर की पोस्ट मिल सकती है, उसमें 5-6 हज़ार तक सैलरी आपको ऑफर होगी, तो आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट है। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों को कि आप इसके लिए तैयार हो जाइए। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं और सऊदी के लिए इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए रेडी हो जाइए। 25 और 26 तारीख को इंटरव्यू है, तो 25 और 26 को मैं आपको वहीं पे मिलूँगा। एक बात और कहना चाहूँगा, मॉर्निंग में जो वीडियो पोस्ट किया है उससे पहले भी एक वीडियो पोस्ट किया है, फ्रेंड्स आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, मैंने सबका रिप्लाई दिया है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके और बहुत सारे फ्रेंड्स ने कमेंट्स किया है प्रोसेस कैसे होगी, तो मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे CV फॉरवर्ड करोगे, आपकी CV मैं कंपनी में भेज दूँगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए डेट मिलेगी, डेट तो फिक्स ही है, आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, पास हो जाओगे, तो आपका पासपोर्ट वहाँ पर जमा कर दिया जाएगा और उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल का रिपोर्ट जैसे ही आप कंपनी में दोगे उसके बाद आपका पासपोर्ट वीज़ा के लिए चला जाएगा, और वीज़ा स्टैम्पिंग के बाद आपको उसकी कॉपी मैं दे दूंगा, कॉपी चेक कीजिए, दूसरे किसी और के पास चेक करवाइए या खुद सऊदी गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद आप मुझे जब फुल पेमेंट करोगे तो आपकी फ़्लाइट बुक हो जाएगी, उसके बाद आप ट्रैवल कर पाओगे। अब सर्विस चार्ज की मैं बात करूँ, मैंने पहले भी बताया था कि मैं खुल के नहीं बता सकता, फिर भी बहुत सारे व्यूवर्स के कमेंट्स आते हैं कि सर सर्विस चार्ज क्या होगा, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कम से कम 30 हज़ार और ज़्यादा से ज़्यादा 50 हज़ार तक सर्विस चार्ज हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 50 समझो आप, कम से कम 35-40-45 ये भी हो सकता है। और सैलरी जो मैंने बताया आपको 1500-1600 रियाल, वो कम से कम देंगे, और इंटरव्यू में अगर आपका टैलेंट ज़्यादा है उनको लगा तो वो आपको 2000-2500 रियाल भी ऑफ़र कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कीजिए, और कोई बात पूछनी हो तो कमेंट्स कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी गुड न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।